24/7 पब्लिकेशन के समान अध्ययन की बुक का दोस्तों हम रिव्यू करेंगे। और ये बुक दोस्तों एसएससी सीजीएल एसएससी के सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें एसएससी सीजीएल हो गया, जीडी हो गया, उसके बाद सीएसएसएल हो गया, एमपीएस हो गया, रेलवे एग्जाम हो गया, स्टेट और दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सभी परीक्षाओं के लिए ये बुक दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस बुक के जो राइटर है यहाँ पे लिखा हुआ है आशुतोष सर है और पवन मोरल सर है, ठीक है ना। तो ये बुक को मैंने मंगाया, देखना चाहता था कि मैं अड्डा पब्लिकेशन का जो सामान्य अध्ययन है वो किस तरह का बुक है। ठीक है, तो इसका एक और सामान्य अध्ययन का बुक आता है जो प्रॉपर एसएससी एग्जाम के लिए आता है, उसे भी मैं मंगवाऊंगा बहुत जल्द। इस बुक का जो एमआरपी है दोस्तों 399 है। इस बुक को मैंने 290 रुपए में अमेजन से खरीदा है, परचेस किया है। केवल चेक करना था कि अड्डा पब्लिकेशन के जो बुक होते हैं सामान्य अध्ययन के वो किस तरह के होते हैं। ठीक है, तो बुक के बारे में मैं अच्छे से बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि इस बुक को मैंने बहुत अच्छे से स्टडी कर लिया है और इस बुक में 256 पेज आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो बुक दोस्तों मुझे थोड़ा सा कॉस्टली लगा, क्योंकि 290 रुपए काफी ज्यादा प्राइस है इस बुक का। कंटेंट इससे मार्केट में अच्छे अच्छे बुक है, जैसे आप देखेंगे तो परीक्षा वाणी का बुक आता है, वन लाइनर महेश कुमार बरनवाल का बुक आता है, तो ये सब बुक इस बुक से ज्यादा बेटर मुझे लगते हैं। इस बुक में नंबर ऑफ पेज काफी कम है, तो देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये बुक आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ठीक है ना, सारा कुछ मैं बताऊंगा। बुक का दोस्तों प्रिंटिंग क्वालिटी ठीक ठाक है, उतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं है, थोड़ा डार्क होता तो ज़्यादा अच्छा होता, थोड़ा लाइट मुझे दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, मतलब हल्का प्रिंटिंग है, जैसे विषय सूची इन्होंने बनाया तो ये जो टॉपिक इन्होंने दिया है मेरे हिसाब से बोल्ड देते तो अच्छा होता। यहाँ पे देखिए, भूगोल में सबसे पहले भूगोल आपको देखने को मिलेगा विषय सूची में, जिसमें आपको भौगोलिक तथ्य देखने को मिलेगा 4 से 31, राज्य व्यवस्था 32 से 55, अर्थव्यवस्था, उसके बाद इतिहास में भारतीय इतिहास, सिंधु घाटी, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, अन्य धर्म, चंद्रगुप्त तथा बिंदुसार, अशोक। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों देखेंगे इतिहास में यहाँ तक देखने को मिलेगा, और भी टॉपिक है इसमें, मतलब अभी मैं आपको दिखाऊंगा सारी चीज़ को इसमें कवर किया गया है। ठीक है ना, स्टैटिक जीके के लिए बहुत अच्छा बुक है ये। विज्ञान में विज्ञान, कंप्यूटर, और यहाँ पे विविध में सामान्य ज्ञान और मिसलेनियस। अब दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले आपको भौगोलिक तथ्य देखने को मिलेगा, तो भौगोलिक तथ्य में आपको क्या देखने को मिलेगा, भौगोलिक तथ्य में आपको वन लाइनर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कहीं कहीं ज़्यादातर इस बुक में आपको वन लाइनर क्वेश्चन पर ध्यान दिया गया, बट एक चीज़ मैंने देखा, ये जो वन लाइनर क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का यहाँ कलेक्शन है। ठीक है, मतलब ये सब क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ शुरुआत में आपको टॉपिक वाइज अरेंजमेंट देखने को मिल जाएगा, देखिए हर एक टॉपिक को अलग अलग लिखा गया, मार्स हो गया, मतलब हर एक टॉपिक को। अब ये जो टेबल इन्होंने बनाया बहुत ही खराब टेबल है, मतलब एक तो इसका कलर बहुत ज़्यादा लाइट है, टेबल को थोड़ा डार्क करते, क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा इन्होंने रखा हुआ है इस बुक का। ठीक है ना, अब दोस्तों यहाँ देखिएगा नेपच्यून हो गया, मतलब ये टॉपिक वाइज आपको देखने को मिलेगा, और ये प्रिंटिंग ठीक ठाक है, प्रिंटिंग थोड़ा और भी अच्छा हो सकता था, पेज काफ़ी अच्छा है, पेज में कोई कमी नहीं है, बट प्रिंटिंग में मुझे शिकायत है इस बुक में। ठीक है ना, क्वेश्चन का जो क्वेश्चन इस बुक में कलेक्शन है वो अच्छा क्वेश्चन का कलेक्शन है, जैसे यहाँ पे देखिएगा धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी का उपयुक्त किया जाता है, तो दोमट मिट्टी का उपयुक्त किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन आप उठा लीजिए तो अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन है यहाँ पे। कौन सी मिट्टी चाहे बगानों के लिए उपयुक्त है, तो लेटराइट मिट्टी होता है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो इस बुक से आप रिविजन कर सकते हैं, सदाबहार वन कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ब्राजील में पाए जाते हैं। तो ये जो बुक है दोस्तों क्वेश्चन आपको अंतिम समय में रिविजन करना है तो केवल 255 पेज है, आप 2 दिन में आसानी से इस बुक को कर सकते हैं, या चाहे तो 1 दिन में भी पूरा का पूरा जीके रिवाइज कर सकते हैं इस बुक से। ठीक है, तो बुक दोस्तों रिविजन पर्पज के लिए अच्छा है, अगर आप केवल इस बुक से जीके तैयार करना चाहते हैं तो आप बेवकूफी करेंगे, इस बुक को आप थ्योरी आपको पढ़ना पड़ेगा, बिना थ्योरी के आप इस बुक को लेंगे तो केवल आपको रटना पड़ेगा। ठीक है, समझ के अगर आप इस बुक को पढ़ते हैं, केवल रिविजन पर्पज के लिए अगर आप लेना चाहते हैं तो इस बुक को ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे, जो हो सकता है कि किसी अन्य बुक से कवर ना हो। भारत की प्रमुख जिले एवं राज्य, ठीक है, तो जितने छोटे छोटे टॉपिक है जीके का वो कवर किया गया है। जीएस के लिए ये बुक बिल्कुल फालतू है, जीएस में आपको आगे दिखाऊंगा, जीके के लिए अच्छा है। ठीक है ना, जीके में देखिए छोटे छोटे टॉपिक को यहाँ कवर किया गया, अच्छे तरीके से कवर किया गया, तो जीके के लिए मैं इस बुक को कह सकता हूँ कि जीके के लिए ये बुक काफी ज्यादा बेहतर आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप जीके की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस बुक को ले सकते हैं। यहाँ जैसे देखिए प्रमुख देशों के मुख्य बंदरगाह, तो यहाँ टेबल इन्होंने अच्छे से कवर किया है। ठीक है ना, तो बुक दोस्तों आप दोस्तों देख सकते हैं। मुझे ये बुक लेना नहीं चाहिए, लेना नहीं था, क्योंकि बुक काफी ज्यादा महंगा था, बट मैं देखना चाहता था कि अड्डा पब्लिकेशन का बुक कैसा होता है। तो आप दोस्तों देख सकते हैं, भारतीय रेल हो गया, उसके बारे में अच्छे से लिखा गया, रेल कारखाना लिखा गया, मतलब कुछ कुछ टॉपिक जो है ना स्टैटिक जीके के वो आपको इस बुक से बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो सकते हैं, रिविजन हो सकते हैं, बट जीएस इस बुक में अच्छा नहीं देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, ये देखिए तो टॉपिक अच्छा है, भारतीय राजव्यवस्था हो गया यहाँ पे। ठीक है ना, शुरुआत में आपको क्या देखने को मिला, शुरुआत में आपको भूगोल ये सब देखने को मिला, भूगोल, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, उसके बाद आपको भारतीय राजव्यवस्था यहाँ कवर किया गया, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा राजव्यवस्था का। ठीक है, उसके बाद आपको भारतीय संविधान काफी अच्छा, मतलब अच्छे तरीके से अच्छा अच्छा क्वेश्चन का यहाँ कलेक्शन है। जैसे ये देखिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं जीवन की स्वतंत्रता आर्टिकल 21 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बंदीकरण की अवस्था सुरक्षा आर्टिकल 22, उसके बाद देखिएगा शिक्षा संस्थानों की स्थापना प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का आर्टिकल 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस आर्टिकल में आर्टिकल 32 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ कुछ आर्टिकल आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट देखने को मिलेंगे, आर्टिकल 29 भी पूछा जाता है एग्जाम में, आर्टिकल 24 भी पूछा जाता है, आर्टिकल 21 पूछा जाता है, और काफ़ी यहाँ से आर्टिकल पूछे जाते हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है, मतलब ऐसा आपको लगेगा कि हाँ सही बुक को आप देख रहे हैं बुक को देखने के बाद। ठीक है, तो इस मामले में क्वेश्चन के मामले में ठीक ठाक क्वेश्चन है जीके वाले सेक्शन में, मैं आपको जीएस वाला भी सेक्शन दिखाऊंगा, जीएस में भी क्वेश्चन अच्छे देखने को मिलेंगे, बट वहाँ पे कुछ कमी है, उस कमी को मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है ना, तो अगर आप इस साल के लिए वन डे एग्जाम के लिए, जैसे रेलवे एग्जाम के लिए अच्छा है, एसएससी एग्जाम के लिए भी अच्छा है, बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी अच्छा ये बुक आप कह सकते हैं। ठीक है, तो बुक कुछ कुछ मामलों में ठीक ठाक है, आप इस बुक को ले सकते हैं।
और यहाँ पे आप दोस्तों देखेंगे आयोग हो गया, बट मैं इतना कहूँगा कि बुक का जो कॉस्ट है, कॉस्ट प्राइस है, जो आप जिस दाम पे ये बुक मिल रहा है जिस प्राइस पे, वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। इस बुक का मैक्सिमम जो प्राइस होना चाहिए था ना 180 से लेकर 200 रुपये तक होता, तो मैं इस बुक को उपयोगी बोलता, क्योंकि मार्केट में इस तरह के बुक आ रहे हैं जिसका प्राइस है इससे अच्छा कंटेंट आपको दे देंगे। अर्थव्यवस्था हो गया, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, तो यहाँ पर देखिए कुछ कुछ जगह पे थ्योरी आपको देखने को मिल जाएगा, पर थ्योरी बहुत ज़्यादा कम है। अब जैसे इकोनॉमिक्स में थ्योरी का जरूरत होता है, तो इन्होंने इकोनॉमिक्स में थ्योरी दे दिया है, जगह जगह आपको थ्योरी देखने को मिलेगा, फिर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो थ्योरी यहाँ पर दिया हुआ है कुछ कुछ जगह। पंचवर्षीय योजना मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छे तरीके से सभी पंचवर्षीय योजना को इन्होंने समझाया हुआ है, ठीक है। तो कुछ कुछ टॉपिक आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, मतलब इस बुक को लेंगे तो रिविजन के लिए ले सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ भारतीय रेलवे हो गया, सारे टॉपिक को कवर किया गया यहाँ पर। अगर दोस्तों अगर हम बात करें तो ये देखिए हिस्ट्री वाला पोर्शन आ जाता है, हिस्ट्री वाले पोर्शन में यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, इंदिरा गांधी हो गया, उसके बाद यहाँ टॉपिक वाइज दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे, ठीक है, ये हिस्ट्री वाला पोर्शन हो गया, तो मिस्र, यहाँ पे फ्रांस की क्रांति हो गया, मतलब इस तरह से टॉपिक दे दिया गया, उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो दिया गया। जैसे यहाँ देखिए बक्सर का युद्ध है ना, पलासी का युद्ध है, तो पलासी के युद्ध से ये पूछा जाता है किसके बीच में हुआ था, पलासी के युद्ध में कौन जीता था ये पूछा जाता है। उसके बाद यहाँ देखिए बक्सर का युद्ध कब हुआ था, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति कौन था, ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था, ये सब बक्सर युद्ध से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंग्रेजों ने बंगाल व्यापार करने हेतु कहाँ कोठी खोली थी, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी, सब बक्सर के युद्ध के बाद का घटना है, और ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब उससे रिलेटेड ये घटना है, ठीक है ना। तो ये एक साथ आपको देखने को मिल जाएगा, तो रिवीजन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, रिवीजन के लिए आप ले सकते हैं, ठीक है। और सारे टॉपिक को इसमें कवर किया गया है। शुरुआत में कुछ टॉपिक आपको अच्छे से देखने को मिलेंगे, सिस्टमैटिक तरीके से देखने को मिलेंगे। ये मानव शरीर हो गया, तो बायोलॉजी वाला जो सेक्शन है ना, मतलब साइंस में भी स्टैटिक पोर्शन कुछ होते हैं, जैसे ये विज्ञान हो गया, तो विज्ञान के बारे में कुछ आपको बेसिक थ्योरी देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है, साइंस में। और यहाँ पे जैसे देखेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सबको यहाँ मिक्स कर दिया गया, जैसे यहाँ देखिए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो आपको देखने को मिलेगा, रसायन विज्ञान के सूत्र आपको देखने को मिलेगा, फिर बायोलॉजी वाला भी पोर्शन यहाँ पे आ जाता है। मतलब साइंस को एक सिस्टमैटिक तरीके से यहाँ पे अरेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी टॉपिक को यहाँ पे सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज नहीं किया गया, बीच में आपको साइंस और टेक के भी टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये बुक में यही कमी मुझे लगा, और पूर्व परीक्षाओं में रसायन विज्ञान के पूछे गए प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ये बुक जो बनाया गया मुझे जहाँ तक लगता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ध्यान में रख के बनाया गया, ठीक है ना। क्वेश्चन हालांकि अच्छे अच्छे लेवल के अच्छे क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उस हिसाब से ये बुक अच्छा है, ठीक है, इस बुक को ले सकते हैं। तो डिपेंड आपके ऊपर करता है, मैंने आपको रियल बता दिया। जैसे इसमें साइंस में क्या होता है ना, टॉपिक वाइज होता तो और भी ज़्यादा बेहतर होता, तो टॉपिक वाइज इस बुक को नहीं बनाया गया है। इस बुक में जैसे किसी पर्सन है, महात्मा गांधी के बारे में एक जगह बता दिया गया, सुभाष चंद्र के बारे में एक जगह बता दिया गया, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख रहे हैं, जो विगत है, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, वो सब आपको अंतिम में साइंस के देखने को मिलेंगे। रसायन विज्ञान यहाँ पे हो गया, फिजिक्स भौतिक विज्ञान हो गया, ठीक है। तो साइंस में थोड़ा अच्छे तरीके से नहीं किया गया है, टॉपिक वाइज इस बुक में क्वेश्चन दिया गया, चैप्टर वाइज दिया रहता तो ज़्यादा अच्छा होता, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप दोस्तों देख सकते हैं, अगर आपको याद करना है तो आप इस बुक को ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट बिना थ्योरी समझे इस बुक को आप लीजिएगा तो मेहनत ज़्यादा हो जाएगा। वन डे एग्जाम के लिए ठीक ठाक है। जैसे ये कंप्यूटर का है, तो कंप्यूटर का थ्योरी यहाँ नहीं दिया गया, केवल कंप्यूटर का क्या दिया गया, कंप्यूटर का केवल ये दिया गया, मतलब क्वेश्चन यहाँ देखने को मिल जाएगा आपको, केवल देखिए एक पेज में कंप्यूटर खत्म हो जाता है। उसके बाद सामान्य विज्ञान हो गया, विविध हो गया, राजनीतिक क्षेत्र में जैसे राष्ट्रपति प्रतिभा देवी हो गई, प्रधानमंत्री प्रथम, मतलब ये प्रथम है, प्रथम महिला हो गया, प्रशासनिक क्षेत्र हो गया, अब यहाँ देखिए प्रथम आईएएस अन्ना जॉर्ज हो गया, उसके बाद आईपीएस हो गया किरण बेदी हो गई, महिला में पूछा होगा, यहाँ देखिए महिला टॉपिक है, ठीक है। तो बुक के दोस्तों आप ले सकते हैं, स्टैटिक वाला भी पोर्शन अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट डेज आपको देखने को मिलेगा, विभिन्न देशों के संसद आपको देखने को मिलेंगे, बट एक चीज़ मुझे लगा ये बुक आप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है, बट मार्केट में इससे ज़्यादा अच्छे अच्छे बुक है, और मैंने रिव्यू भी अच्छे अच्छे बुक का किया हुआ है। जैसे ये खेलकूद वाला टॉपिक है, तो इसमें आपको थ्योरी कहीं कहीं देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो कुछ ऐसे टॉपिक है जहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इस बुक के क्वेश्चन हालांकि अच्छे हैं, बट इन सब क्वेश्चन को अगर सही तरीके से अगर ये देते, जैसे अदर बुक में टॉपिक वाइज दिया होता है उस तरीके से देते, तो और भी ज़्यादा बेहतर हो जाता है ये बुक, ठीक है। वन लाइनर आपको बुक लेना है तो ये मेरे सामने बुक है, ये महेश कुमार बरनवाल का है, इस बुक को लीजिए। इस बुक से भी अलग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस बुक में देखने को मिलेगा। ये बुक दोस्तों देख सकते हैं, ये बुक सामान्य अध्ययन का है, ये बुक देखिए इस बुक की तुलना में कितना पतला है। इस बुक में लगभग 400 पेज होंगे और 480 रुपये एमआरपी है। ये लगभग मुझे 200 से 300 के बीच में मिला था, काफ़ी पहले मैंने लिया था, एक साल दो साल पहले लिया था, 2022 का ही एडिशन है। और ये बुक दोस्तों 290 में मैंने ऑनलाइन परचेज किया, ये मुझे ऑफलाइन मार्केट से मिला ही नहीं, ठीक है ना। बट इस बुक में जो क्वेश्चन है वो अच्छे क्वेश्चन है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा समय बचता है, अगर आपने इस बुक को अच्छे तरीके से कवर कर लिया, इसके सारे क्वेश्चन को देख लिया, तब इस बुक को लीजिए। इस बुक से भी आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होने वाला है, ठीक है ना। बट ये बुक लास्ट ऑप्शन आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस बुक के बारे में डिटेल में मैंने जानकारी आपको देने का कोशिश किया, और आपके मन में अभी भी कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करके, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफी अच्छा है। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, थैंक यू।